हेलो बच्चों, देखिए कक्षा सात में आज हम आपको बताएंगे परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, है ना। तो देखिए योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ऐसी दो परिमेय संख्याएं जिनका योगफल शून्य हो जाए तो उसे हम योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, ना। ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल, मान लीजिए पी अपान क्यू एक संख्या है, दूसरी आर अपान मान लीजिए यस हो, तो इन दोनों का जो योगफल है वह यदि शून्य हो जाता है तो ये दोनों परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी, योगात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी, या दोनों संख्याएं प्रतिलोम कहलाएंगी, ठीक है। तो आइए इनका मान हम जानते हैं। अब आइए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ना। तो देखिए एग्जांपल में पहला क्वेश्चन लेते हैं, यदि मान लीजिए इसमें दिया हुआ है 5/3, 5/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो लिखेंगे ना, लिखेंगे हल, इसका लिखेंगे हल में, देखिए 5/3 का योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम यह हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 5/3 होगा। अर्थात हम यदि जो संख्या दी गई है उस संख्या में से चिन्ह के विपरीत ले लें, यानी यदि 1/2 दिया हो तो माइनस 1/2 ले लेंगे, यदि वह माइनस 1/2 दिया है तो 1/2 ले लेंगे, यानी चिन्ह वही संख्या लेंगे लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत होना चाहिए, तो ये इसका क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। यानी जो संख्या लिए हैं उसका विपरीत ले रहा है, यानी दोनों का योगफल देखेंगे तो शून्य हो जाएगा, ओके। ऐसे ही मान लीजिए दूसरा कुछ लेते हैं, यदि -5 का योगात्मक प्रतिलोम पूछता है प्रतिलोम क्या होगा, क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, क्योंकि हम -5 और +5 को जोड़ेंगे तो योगफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अर्थात ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, योगात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे, ओके। ऐसे ही आपको आज मैं दे रहा हूँ सवाल, उस सवाल को आप बनाएंगे, योगात्मक प्रतिलोम लिख के बताएंगे और परिमेय संख्याओं का योगफल, दो क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहे हैं उसको सॉल्व कीजिएगा। एक देखिए और एग्जाम्पल देखिए, देखिए इनका सत्यापन, देखिए सत्यापन कह रहा है, सत्यापन ये क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए 4 + -7/12 = -7/12 ये दिया है +4, इसको चेक करना है कि ये दोनों पक्ष बराबर हैं कि नहीं, तो हम लिखेंगे LHS, यानी इसको बोलते हैं बायां पक्ष, ठीक है। तो ये बायां पक्ष चलेंगे 4 + -7/12, इसको हल करते हैं तो 4 - 7/12 बचल 48 - 7/12 घटाएंगे तो 41/12 आ जाएगा, ठीक है। यही अब हम दूसरा निकालेंगे, आर एच एस लेंगे अर्थात दाया पक्ष, दाया पक्ष, तो इसमें देखिए -7/12 + 4, तो इसको लिखेंगे -7/12 + 48, यदि घटाएंगे तो 41/12 आएगा, यदि LHS = RHS, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सत्यापन करना है, तो इसी तरह से हम दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, उसे आप कंप्लीट करके बताइएगा, ठीक है बच्चों। देखिए हमारा होमवर्क होगा, ठीक है, इसको हम लेते हैं होमवर्क के रूप में, देखिए सत्यापन कीजिए, एक क्वेश्चन ये रहेगा फर्स्ट,
इसमें मैं लिखता हूं माइनस पांच बटे आठ प्लस माइनस सिक्स बटे तेरह बराबर माइनस प्लस माइनस पांच बटे आठ। इसको सत्यापन कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर दो रहेगा प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, सॉरी योगात्मक, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। नंबर एक सवाल रहेगा माइनस दस का योगात्मकम, दूसरा रहेगा बीस का, इन दोनों संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम आप ज्ञात कीजिए और उसको बताइए। धन्यवाद बच्चों।